हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शू वी। इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे और सिर्फ ये बात करेंगे कि कॉफी विद करण जो सीजन 8 शुरू हुआ है, जिसके अंदर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आए थे, इसके अंदर क्या चेंज मैंने नोटिस किया। तो पॉजिटिव नमस्कार करते हैं और बात करते हैं इसमें पॉजिटिव चेंज क्या था। अभी तक जितने भी आपने सीजन देखे होंगे उसके अंदर कोई ना कोई र्यूमर्स बने, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई और कहीं ना कहीं ऐसी बातें हुई कि कहीं करियर खराब हो गए, कहीं नेपोटिज्म जैसे नए वर्ड सीख लिए, कहीं कुछ हुआ है यहाँ पर। और लार्जली ये काफी ज्यादा इस तरीके के जोन के अंदर गया जो थोड़ा अनरिलेटेबल था कॉमन जनता जनार्दन से, थोड़ा सा ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही ग्लैम वर्ल्ड के अंदर यूजुअली हुआ करता था। अब इसके अंदर एक चेंज आया जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पे एक प्लेजेंट चेंज है, और वो प्लेजेंट चेंज ये है कि यहाँ पर रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा बात हुई है। यहाँ पर जो फिल्मी दुनिया के अंदर क्या कुछ होता है उसके अंदर कोई बात नहीं हुई है, और जो फिल्मी दुनिया के अंदर फिल्मी लोगों के फिल्मी रिलेशनशिप्स क्या हैं उसके बारे में भी बात नहीं हुई है। तो इट इज वेरी वेरी I would say opposite of what Karan has been doing so far. It is about people who are on the couch and their relationship with each other, जो कि बहुत ही beautiful तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर क्योंकि एक husband wife ही आए हुए थे जो कि आपके पीछे स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, so they talked about mental health, they talked about being together and they talked about the very critical thing that should be there in the relationship, that is being emotionally available. राइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल अत्याचार भी था क्योंकि किसी की ज़िंदगी में आप कितना झांकना चाहोगे, और जो रणवीर सिंह का जो ऑरा है वो या तो किसी को समझ में आता है या तो नहीं आता है, कई बार वो ओवर द टॉप भी लगता है। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा लवी-डवी है वो बियॉन्ड अ पॉइंट थोड़ा सा मुझे कम झेला गया, बट लेकिन ये चीज़ देख के मुझे अच्छी लगी कि ये चैट शो भी थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द गॉसिप्स नाउ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट डूइंग मैच्योरर टॉक्स। तो जितनी मेचोरिटी जिंदगी के अंदर मेरे ख्याल से करण जौहर को आ रही है, उसी तरीके के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वो अपने गेस्ट से पूछ रहा है और उसी तरीके के फिर उसको आंसर्स भी मिल रहे हैं। तो इसी तरीके अगर क्वालिटी चलती रहेगी तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड नाउ। द क्वालिटी एंड आई वुड से द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस सीरीज और शो, जो भी बोलना चाहो आप इसको, वो भी आई वुड से कि जो मैग्नीट्यूड है वो उसका इंक्रीज होगा। जितने लोग इस शो को देखते थे या फिर सोचते थे कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या फिर थोड़ा अडल्ट कॉन्वर्सेशन ना हो जाए, ये सारी चीज़ों से लोग हट जाएंगे और ज़्यादा लोग जुड़ने लग जाएंगे, बिकॉज द कॉन्वर्सेशन इज अबाउट रिलेशनशिप, कॉन्वर्सेशन इज अबाउट देम एंड यू वॉन्ट टू नो द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द काउच रादर देन जस्ट गॉसिप हियर एंड देयर। तो उस हिसाब से ये ग्रो ही करेगा ये कॉफी विद करण अगर इसी ट्रेंड पे चलता रहा। आपको क्या लगा? अगर आप देख चुके हो, नहीं देखा तो देखना और फिर उसके बाद कमेंट करना है यहाँ पर आके। बाय बाय।